पृथ्वीराज चौहान की कहानी भारत के महान राजाओं में से एक है, इसीलिए इनके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई, सम्राट पृथ्वीराज। लेकिन ये मूवी कुछ दिनों से चर्चा में थी क्योंकि इस मूवी के एक्टर अक्षय कुमार अपनी कुछ गलत बयानबाजी की वजह से चर्चा में थे। ओमान और कुवैत जैसे देशों ने तो इस मूवी को ही बैन कर दिया है। हम आज इस मूवी का रिव्यू नहीं करेंगे, लेकिन हम पृथ्वीराज चौहान की असली कहानी को डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आपके इस छोटे से एक्शन से मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। And I wanted to know more about it. मैं तो इतनी सारी कहानियां इनसे सुन चुका हूं सम्राट पृथ्वीराज चौहान के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ दो या तीन लाइनें लिखी हुई हैं हिस्ट्री की किताब में। बाकी सारी चीज़ों के ऊपर लिखी हुई है, जो इन्वेडर्स के ऊपर लिखी हुई है, लेकिन हमारे खुद के जो कल्चर है, हमारे जो खुद के महाराजा हैं, राजा हैं, उनके बारे में दो दो तीन तीन अक्षर लाइनें लिखी हुई हैं। पृथ्वीराज चौहान का जन्म सन 1166 में चाहमना के राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरा देवी के घर में हुआ। जब पृथ्वीराज चौहान सिर्फ 11 साल के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई और उन्हें अगला राजा घोषित कर दिया गया। इसी के साथ साथ उनका परिवार अब गुजरात से अजमेर आया और अजमेर को नई राजधानी बनाया गया। लेकिन उम्र छोटी होने की वजह से राजमाता ही फैसले लिया करती थी। पृथ्वीराज चौहान एक एक्सपेंशनिस्ट टाइप के राजा थे, वो लगातार अपने राज्य का विस्तार करते जा रहे थे और ये शुरुआत उन्होंने अपने कजन नागार्जुन से ही की। अपने राज्य को बढ़ाते बढ़ाते उनका नाम तो जरूर बड़ा बनता जा रहा था, पर इसके साथ ही उनके दुश्मन भी बढ़ रहे थे। उस वक्त कन्नौज की अपनी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस थी और यहां पर गढ़वाल राजा जयचंद्र का शासन था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र के बीच इसी जगह को लेकर तनाव बना हुआ था। इसी के साथ पृथ्वीराज चौहान जयचंद्र की बेटी संयोगिता के साथ भागकर शादी भी कर लेते हैं और इस तरह जयचंद्र और पृथ्वीराज के बीच जो दुश्मनी थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई। पृथ्वीराज चौहान के जीवन में दो बड़ी लड़ाइयां हुई और दोनों ही आजकल के हरियाणा के तराइन जगह में लड़ी गई। एक तो 1191 में लड़ी गई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद ऑफ गुर को बहुत बुरी तरीके से हराया था और इसी चीज का बदला लेने के लिए उसने एक साल बाद ही दोबारा हमला किया, लेकिन इस बार उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। 957 से 1187 तक गजनी, जो सेंट्रल एशिया का इलाका था, उस पर महमूद ऑफ गजनी का रूल था। उसका मेन टारगेट लूट का था। उसने भारत को कई बार लूटा है, सोमनाथ मंदिर को तो ना जाने उसने कितनी बार लूटा है। गजनी बहुत छोटे छोटे कबीले को अपने अंडर रखता था ताकि वहां के लोगों को वो अपनी फौज में रख सके। ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता था जिसके बाद उन्हें लूट का कुछ शेयर दे दिया जाता था। इसी तरह का इलाका घुरी भी था। जैसे ही मोहम्मद गजनी की मौत हुई, वैसे ही पूरा गजनी महमूद ऑफ गौरी के हाथ आ गया। लेकिन अब गजनी और गौरी में यह फर्क था कि जहां गजनी सिर्फ लूट को टारगेट करता था, गौरी को अपना शासन बढ़ाना था, इसीलिए उसने फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन को पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा। इसी तरह एक साल बाद उसने फिर अपना बदला लेने चाहा तो उसने फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार वो जीत गया। अगर यहां पर ध्यान दें तो ये जो भी लड़ाइयां हुई, यहां पर धर्म का कोई मुद्दा था ही नहीं। यहां पर जो मुद्दा था वो था सत्ता का, एक्सपेंशनिज्म का। हर कोई राजा अपने एरिया को एक्सपेंड करना चाहता था। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि बैटल ऑफ तराइन के बाद साउथ ईस्ट एशिया का फ्यूचर चेंज हो गया। मोहम्मद गौरी के बाद इंडिया में स्लेव डायनेस्टी आती है और उसके कुछ सालों बाद फिर मुगलों का शासन शुरू होता है। सम्राट पृथ्वीराज मूवी चांद बरदाई की कविता पृथ्वीराज रासों पर बेस्ड है। मूवी में एंटरटेनमेंट को बढ़ाने के लिए डायरेक्शन उसी हिसाब से की गई है, लेकिन अगर फैक्ट्स की बात आती है तो मूवी में दिखाया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को बिना देखे ही तीर मार देते हैं और इसमें उनकी हेल्प चांद बरदाई करते हैं। अगर बात की जाए तो चांद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो 14वीं और 15वीं सदी में लिखी थी, तो वो 200 से 300 साल पहले उनकी ये हेल्प कैसे कर सकते थे। और इसी के बीच करणी सेना और गुजरों के बीच भी एक विवाद चला हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान एक गुजर थे या राजपूत। गुजरों का मानना था कि पृथ्वीराज विजय में लिखा हुआ है कि गुजरों ने मोहम्मद गौरी को हराया था, तो वो राजपूत कैसे हो सकते हैं। और इसी कंट्रोवर्सी को हटाने के लिए चौहान शब्द को हटा लिया गया था। दरअसल इस मूवी से कुछ लोग और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम के एजेंडे को खड़ा करना चाहती है। अगर इस मूवी को न्यूट्रल रखना होता तो मूवी की प्रमोशन के वक्त हिंदू मुस्लिम के एजेंडे को क्यों लाया गया। इसीलिए ये प्रीप्लान लगता है ताकि मूवी को फेम मिल सके। पृथ्वीराज कहानी एक ऐसे योद्धा की है
जो अफगानिस्तान से लेकर दिल्ली तक एक एक इंच जमीन पर हुए, एक एक इंच जमीन पर लड़े, 900 साल 1000 साल की लड़ाई व्यर्थ नहीं गई है। सन 47 में हम स्वतंत्र हुए और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 2014 से जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक युग भारत के अंदर शुरू हुआ है, वो फिर से एक बार भारत को उस ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां पर हम कभी थे। जब भी हमारे देश में किसी मेजर इशू से जनता का ध्यान भटकाना हो तो ऐसा अक्सर किया जाता है, फिर चाहे किसी सेलिब्रिटी को पब्लिसिटी मिलती हो या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रोपेगेंडा करने का मौका। अगर आपको ये वीडियो सही मायने में इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।